एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैंने कहा, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। मैंने माँ को फोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। मेरी माँ थोड़ा शक्की मिजाज की औरत थी, उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं माँ, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने साथ ही कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा वह भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चेहरा एक अलग से खुशी से चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफी प्रभावित थी। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट पहुंचे, जो बहुत शानदार तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेनू देखने लगा। मेनू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि माँ मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हम में एक दूसरे के जीवन में घटी हाल ही की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हम बातों में इतना खो गए कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल वही पे करेंगी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा, कैसा रहा सब? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने दो लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। लव यू मेरे बेटे, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस मैसेज को उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो, और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतजार करने वाला कोई हो, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है मगर अपने चले जाए तो लौट के नहीं आते।